हाई गाइज़ वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो कैसे हैं आप सब सबसे पहले तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि जो आप आवाज़ सुन रहे हैं अगर आपको इंग्लिश में सुन रही है दैट मीन्स कि आपने अपनी जो यूट्यूब की सेटिंग है यहाँ पर इधर या इधर आपको एक व्हील जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा उस पर क्लिक करो एंड उसके अंदर जो ऑडियो ट्रैक है उसको आप हिंदी ऑरिजिनल सेलेक्ट कर लो तो मेरे को आप तो आप मुझे हिंदी में सुन पाएंगे जैसे मैं बोलती हूँ ओरिजिनली वैसा ही सुनाई देगा बट अगर आपने इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी है सो so, आपको फिर वो ए आई जनरेटेड वॉइस सुनने को मिलेगी सो so, एक नया फीचर है जो कुछ क्रिएटर्स को दिया गया है टेस्टिंग अभी चल रही है इस पर किस तरह का लाइक like, कुछ लोग होते हैं ना जो हिंदी नहीं समझ पाते उनको भी अगर ये कॉन्टेंट देखना है तो वो अपनी ना जस्ट इंग्लिश बहुत सारी लैंग्वेज में इन्हें कन्वर्ट करके सुन सकते हैं और एक और चीज़ है वो जो टेक्स्ट लिखे आते हैं उसमें भी आप बोल रहे थे सो so, वो भी आप अपने फ़ोन से ही एक सी सी करके आइकन दिखेगा वहीं व्हील के आसपास ही सो so उसको भी आप क्लिक करके और अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं अगर आपको टेक्स्ट नहीं चाहिए तो आप उसे डिसेबल कर सकते हैं अगर चाहिए तो एनेबल कर सकते हैं जो भी लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है वो कर सकते हैं सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी अभी मैं आपके साथ बहुत प्यारा कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ गाइज़ दिवाली के बाद जो अब मैं ये कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ ना ये लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया अभी वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी काफ़ी सारे इन्विटेशन आ गए होंगे आपको क्योंकि मुझे तो आ गए हैं सो येस ये जो कलेक्शन मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये किसी भी शादी फंक्शन के लिए लाइक like, आप वेडिंग गेस्ट हैं या आपके घर में शादी है तो इस तरह के पीसेस हैं जो आप कैरी कर सकते हैं काफ़ी अच्छा लुक आपको मिलेगा ऑब्वियसली मैंने बहुत हैवी पीसेस नहीं इसके अंदर ऐड किए हैं क्योंकि अगर आपके घर में खुद के में शादी है तो फिर तो बजट बहुत ज़्यादा चला जाता है उतना बजट मैंने नहीं रखा इसके अंदर लहंगा वहंगा नहीं रखा बट येस yes, आपके जो पार्टी वेयर सूट्स हैं वो इसके अंदर मैंने इंक्लूड किया है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अच्छे अच्छे ब्रांड्स से हैं एंड सारे ब्रांड्स ये जो हैं आपको अमेजॉन पर मिल जाएंगे एंड बहुत ही अच्छी प्राइस जिसके अंदर मैक्सिमम ऑफ था वो मैंने पिक किए या फिर डिज़ाइन मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया जैसे कि जो मैंने पहना हुआ है ये तो मुझे इतना सुंदर लग रहा था कि मुझे लेना ही था एंड अभी किसी ना किसी शादी में मैं जरूर इसे पहनने वाली हूँ अभी मुझे दो शादियाँ आ गई एक पंद्रह को है और एक बाईस को है सो उसमें एक में मैं जरूर से पहनूंगी इसका कलर ही देख लू ना कितना सुंदर है चलो जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम सबके परचेजिंग लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मैंने कुछ स्किन केयर भी ऐड किए लाइक एक लिपस्टिक है और एक फेस वॉश है एक क्रीम है खत्म हो गई थी सो मुझे रिफिल करनी थी सो so यस yes, नया कोई ब्रांड नहीं ट्राई किया जो मैं ऑलरेडी यूज कर रही थी वही किया है तो मैं आपको अच्छे से रिव्यू भी दे सकती हूँ सो यस पूरी वीडियो देखना आई एम श्योर आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी चलिए अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं सबके परचेजिंग लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना अब वीडियो अच्छी लगती है तो आपको पता क्या करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड चलो इतनी बताई दिया मैंने पहने हुए की तो इसी को ही हम सबसे पहले देख लेते हैं सो ये लिबास का थ्री पीस कुर्ता सेट है इसका कलर इतना सुंदर है कि विंटर्स के लिए तो ये परफेक्ट है इतना डीप पर्पल कलर में मेरे पास कुछ भी नहीं था एंड इसके ऊपर जो है मल्टी कलर की पूरी एम्ब्रॉयडरी लाइक क्या है फैब्रिक के अंदर वीविंग में ही पैटर्न है इसके अंदर ये एंड फैब्रिक भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है और साथ में प्लेन इसके अंदर फ्लोरल प्रिंट है आगे तो बहुत ज्यादा जरी वरी का वर्क किया हुआ ना तो इतना दिख नहीं रहा पर बैक साइड से अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सुंदर सा इसके अंदर फ्लोरल प्रिंट है काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड फ्लोई है लाइनिंग के साथ आता है कॉटन फैब्रिक की लाइनिंग दी गई है सो बहुत अच्छी फिटिंग आ रही है मीडियम साइज में फैब्रिक भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं कर रहा ना इसके साथ सॉलिड पैंट्स सा आती हैं ये जो कि फुल्ली इलेस्टिकेटेड हैं एंड एक पॉकेट दी गई है बहुत ज्यादा नैरो भी नहीं है तो बहुत ज्यादा वाइड भी नहीं है और इसके अंदर नीचे सिर्फ ये दो गोटे से डिटेलिंग की हुई है अदरवाइज ये पूरा प्लेन है एंड फैब्रिक इसका भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड फ्लोई है फिटिंग वगैरह भी लूज फिट में है तो बहुत ही कंफर्टेबल है एंड इसके साथ आता है ये लाइट वेट दुपट्टा ये शिफॉन फैब्रिक के अंदर और चारों तरफ आपको ये लेस मिल जाती है प्लेन लेस नहीं आप देख सकते हैं लेस के साथ साथ ही इस तरह से कौन सी होती है मतलब ऐसे ट्रायंगल वाली जो शेप की होती है ना अच्छी सी फिनिशिंग ऐड कर रही है इस तरह की पूरी इसके अंदर ये लेस का काम किया हुआ है फुल लेंथ एंड वर्थ में दुपट्टा एन इसे पहनने के बाद आप खुद देख सकते हैं कि चेहरा कितना खिला खिला लगता है मुझे तो ये काफ़ी ज्यादा पसंद आया नाउ नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है इसका कलर इतना सुंदर है कि किसी भी डे टाइम फंक्शन पे आप इसे कैरी कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा ये चंदेरी फैब्रिक के अंदर है अमेजोन का जो खुद का ब्रांड है ना मिक्स उससे है ये तो फ्लोरल प्रिंट इसके अंदर किया हुआ है सेम इसी तरह के काम के आपको इंस्टाग्राम में ना थ्री फोर फाइव थाउजेंड तक के कुर्ता सेट मिलते हैं बट ये कंपेरेटिवली बहुत डिसेंट प्राइस में रखा हुआ है और इसका जो प्राइस है वो जस्टिफाई करता है इसकी क्वालिटी को क्योंकि चंदेरी फैब्रिक है पूरा देन इसके अंदर लाइनिंग भी दी हुई है लाइनिंग भी प्योर कॉटन फैब्रिक की है एंड स्टिचिंग पैटर्न भी काफी अच्छा है आप देख सकते हैं वी नेक दिया हुआ है योग पे इस तरह से ये सीक्वेंट की डिटेलिंग है पाइपिंग वगैरह की हुई है एंड देन प्लीट्स लगाई हुई है इसके अंदर कलिया भी हैं सो यहाँ पे फ्रंट में तीन कलिया हैं साइड स्लिट दी हुई है इसके अंदर स्काई ब्लू के साथ पिंक कलर के फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं बहुत ही फ्रेश लग रहे हैं सो so, काफ़ी सुंदर इसका लुक आएगा डे टाइम पे पहनने के लिए परफेक्ट है इसके साथ ही फुल्ली इलेस्टिकेटेड पैंट्स हैं जिसके अंदर एक पॉकेट मिल जाती है हल्की सी वाइड लेग है ये एंड लेंथ वगैरह का आपको आइडिया ट्राइन से मिल जाएगा मेरी हाइट 5.4 फीट है सो परफेक्ट आ रही है प्योर कॉटन फैब्रिक में ये पैंट्स से और बिल्कुल इसे पतले वाला नहीं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम कॉटन इसके अंदर यूज़ किया हुआ है एंड इसका दुपट्टा भी कोटा डोरिया में है आप इंस्टाग्राम पेज चेक करना एक जयपुरी अदा करके उसमें आपको सेम फैब्रिक वाला दुपट्टा और कुर्ता सेट का प्राइस एक बार चेक करना है। देन कंपेयर करना आप मिक्स के इस कुर्ता सेट से आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस लाइक फोर्टी परसेंट तक का डिफरेंस देखने को मिलेगा बहुत सही प्राइस में ये मिक्स ने लॉन्च किया है सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आपको प्रीमियम वाले कुर्ता सेट चाहिए एंड वो भी सही बजट के अंदर तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं दुपट्टे की लंबाई बहुत ज़्यादा लंबी है मेरी हाइट पे ये आगे और पीछे दोनों तरफ से फ्लोर को टच कर रहा था सो काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसे स्टाइल कर सकते हैं थर्ड मैं आपको जो दिखाती हूँ ये जनासिया ब्रांड से मैंने लिया है ये कुर्ता सेट पर ना मेरी नज़र अटक सी रही थी मुझे ऐसा लग रहा था वैसे तो ये पूरा प्लेन है बट जो इसके गले का काम था ना वो स्पेशली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया सो अगर आपको ना सॉलिड कुर्ता सेट्स पसंद है और मिनिमल डिज़ाइनर एम्ब्रॉयडरी के साथ अच्छे लगते हैं सो so, आप इस कुर्ता सेट को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं इसके गले का काम बहुत 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 ज़्यादा प्यारा है ये पूरा हैवी एम्ब्रॉयडरी की हुई है ये जरी वर्क है एंड बहुत ही फिनिशिंग से इसमें दो टोन्स आ रही हैं ज़री में अगर आप देखेंगे क्लोजली एंड फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आ रही थी इस गले के पैटर्न से स्लीव्स पे भी इसी तरह का ही काम है उसके अलावा ये पूरा प्लेन है ना जो फैब्रिक है ना उसके अंदर शाइन भी और आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे प्लेन सा नहीं है इसके वीविंग के अंदर टेक्सचर है सो तो काफ़ी अच्छी डेप्थ क्रिएट कर रहा है बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है सो तो लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है और इसके साथ सेम ही फैब्रिक के अंदर आपको ये पैंट्स मिल जाती हैं जो कि सेमी इलेस्टिकेटेड है एक पॉकेट दी हुई है स्ट्रेट फिट में स्मार्ट फिट के अंदर है बूट कट दिया हुआ है एंड स्टिचिंग क्वालिटी अच्छी है आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसके अंदर फैब्रिक फोल्ड भी किया हुआ है इसके साथ बिल्कुल लाइट वेट सा दुपट्टा है शिफॉन फैब्रिक में चारों तरफ ही हल्की सी लेस लगाई है फुल लंबा चौड़ा है सो so अगर आपको बहुत हैवी पीसेस नहीं पहनने पसंद थोड़े लाइक like, मिनिमल वर्क के साथ पहनने पसंद है सो so आप इसे डेफिनेटली चेकआउट करना और इसका कलर भी बिल्कुल यूनिक है मैंने एक बहुत ही हटके भी पीस पिक किया है एंड जनरली टू पीस या थ्री पीस कुर्ते सेट आते हैं बट ये फोर पीस कुर्ता सेट ये लिबास का लेटेस्ट कलेक्शन से मैंने पिक किया है सो so इसका कलर आप देख सकते हैं ये ऑफ वाइट कलर के अंदर है इस तरह का कलर है कि जो आप स्पेशल ओकेजन पे पहनोगे ना तो बहुत ही यूनिक लगेगा बहुत कम लोग इस तरह का कलर कैरी करते हैं तो नज़र डेफिनेटली जाने वाली है और नज़र इसलिए भी जाने वाली है कि ये बहुत यूनिक सा भी है ये जैकेट के साथ आता है और उसकी जैकेट बहुत प्यारी है बट ऐसा नहीं है कि हर टाइम आप जैकेट ही कैरी करो मैं आपको विदाउट जैकेट भी इसे पहन के दिखाऊंगी इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना और बिल्कुल कंप्लीट लुक दे रहा है विदाउट जैकेट भी तो सबसे पहले तो इसके अंदर ये कुर्ती आती है सो कुर्ती पे सेल्फ में थ्रेडवर्क भी है आपको दिख रहा होगा उसके साथ साथ इसके अंदर ये सीक्वेंस एंड फॉइल मिरर का काम भी किया हुआ है प्योर कॉटन फैब्रिक के अंदर है और कॉटन फैब्रिक की ही इसके अंदर लाइनिंग भी दी हुई है स्लीव्स इसकी बेल शेप में है एंड लंबाई वगैरह आप देखो इसकी कितनी बढ़िया से आ रही है फिटिंग वगैरह थोड़ी लूज़ लग रही होगी क्योंकि आई डोंट नो क्या हुआ मैंने गलती से इसे लार्ज साइज़ के अंदर ऑर्डर कर दिया सो थोड़ा सा लूज़ है मुझे मीडियम साइज़ में लेती जो कि मेरा रेगुलर साइज़ है तो उसके अंदर ये बहुत अच्छी फिटिंग देता इसके साथ जो पेंट्स आती हैं वो भी इसी तरह की हैं फैब्रिक एग्जैक्टली सेम है सेल्फ़ में आपको वर्क मिल जाएगा सेमी इलेस्टिकेटेड है एंड ये फुल लाइनिंग के साथ आता है सो सी थ्रू का बिल्कुल इशू नहीं होने वाला एंड नीचे जाके आप देख सकते हैं इसके अंदर सीक्वेंट का काम आ जाता है और यहाँ पे बिल्कुल नीचे जाके तो कितना हैवी और कितना प्यारा वर्क है मतलब बहुत ही सटल सा है और डिज़ाइनर काइंड ऑफ लुक आपको इसके अंदर मिलेगा सो so, इस तरह का ये बॉटम आ गया लाइक like, आप इसे टू पीस की तरह भी कैरी कर सकते हैं और इसके ऊपर दुपट्टा भी ले सकते हैं एंड अगर आप चाहें तो टू पीस के साथ साथ आप इस जैकेट को कैरी कर लो विदाउट दुपट्टा भी और फिर कभी चाहिए तो आप विद दुपट्टा भी कैरी कर लो तो इसके साथ इजीली आप थ्री फोर लुक्स क्रिएट कर सकते हैं नाव जो इसकी ये जैकेट आती है ना ये भी बहुत ही प्यारी है इसके अंदर बटन्स भी हैं ऐसे श्रग फॉर्म में नहीं है कि आप इसे बंद नहीं कर सकें आप इसे बंद भी कर सकते हैं एंड बैक साइड से भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसके अंदर काम किया हुआ है सीक्वेंस है थ्रेड वर्क है ये वही काम है जो सलवार पे लाइक बॉटम पे नीचे काफ़ी हैवी वर्क था उसी तरह का ही एंड सीक्वेंस के अंदर भी हल्की सी गोल्डन शाइन है रात के टाइम पहन लो तो लाइटों के कारण चमकेगा और दिन में ये सनलाइट से इतना चमकेगा दोनों ही टाइम पे ये बहुत प्यारा बहुत ही यूनिक लगने वाला है इसके साथ आप चाहो तो सिल्वर ज्वेलरी भी पेयर कर सकते हो गोल्डन ज्वेलरी भी पेयर कर सकते हैं एंड इसके साथ आपको ये सेम ही कॉटन फैब्रिक के अंदर सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक के अंदर फुल लेंथ एंड विड्थ का दुपट्टा मिल जाता है चारों तरफ बॉर्डर भी है एंड बीच के अंदर इस तरह से बूटियाँ भी बनी हुई हैं यहाँ पे अच्छे से इसके अंदर ना स्ट्रक्चर ऐड करने के लिए फोल्ड भी किया हुआ like है लाइक डबल फैब्रिक है यहाँ पे सो so, ये वाला कुर्ता सेट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और जैकेट के साथ बहुत कम ऑप्शन है अभी थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से तो ये परफेक्ट पीस है नाउ नेक्स्ट मैंने ये एक बहुत ही डार्क वाइन कलर के अंदर लाइक इसका कलर मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा ये तो डार्क पर्पल कलर है इसके अंदर थोड़ा सा ये वाइन हिंट के अंदर है एंड सर्दियों के अंदर रात के टाइम पे आप पहन लो या दिन के टाइम पे ये बहुत सुंदर लगेगा आप ट्राई ऑन में देख सकते हैं एक-एक कलर कितना ज़्यादा खिल के आ रहा है इसके अंदर भी पूरा ये प्लेन है बस आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है नेक पे स्लीव्स पे एंड फ्रंट पैनल पे सो so, बहुत ही सुंदर सा ये काम किया हुआ है सेम इसी डिज़ाइन के अंदर मेरे पास ग्रीन कलर बॉटल ग्रीन कलर के अंदर भी कुर्ता सेट है उसको मेहंदी के टाइम पे कैरी कर सकते हैं एंड ये ऐसा है जो किसी भी टाइम पे कैरी कर लो क्योंकि विंटर्स के अंदर तो ये डार्क कलर बहुत ही प्यारा लगेगा सो so, इस तरह का कुर्ता इसके अंदर लाइनिंग भी दी हुई है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लाइनिंग है अच्छी क्वालिटी की लाइनिंग है ऐसे बिल्कुल चीप वाली नहीं है क्योंकि लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है वही बॉटम के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है फील बिल्कुल कॉटनिश है एंड बिल्कुल ऐसे पतला सा नहीं है सेमी इलास्टिकेटेड है एक पॉकेट के साथ है एंड बढ़िया इसकी स्टिचिंग वगैरह की हुई है लेंथ वगैरह आप देख लेना ये इंडो एरा से है एंड इसके साथ ये हैवी बट बहुत ही लाइट वेट दुपट्टा है जो कि फुल लेंथ एंड विड्थ में इसमें पूरे में आपको ये एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है बहुत ही सुंदर वर्क इसके अंदर किया हुआ है so, सो ये स्पेशली कलर और दुपट्टे की जो एम्ब्रॉयडरी है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई मैंने एक और पीस लिया है इसी सिमिलर कलर के अंदर बट वो अनारकली में है वो मैं आपको दिखाऊंगी उससे पहले ये थ्री पीस कुर्ता सेट दिखाती हूँ ये लिबास से है ये बहुत सुंदर वो हैंडलूम के जो कुर्ता सेट होते हैं ना उस तरह का लुक दे रहा था मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा तो मैंने इसे भी पिक कर लिया सो so, यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर पूरे पे ये छोटे छोटे मोटिव्स बने हुए हैं नेक पे आपको कंट्रास्ट में एंड स्लीव्स पे इस तरह से ये रेड कलर का मरून कलर का पैच मिल जाता है इस पर गोल्डन फॉयल प्रिंट किया हुआ है उसके अलावा ये पूरा स्ट्रेट फिट में है ऐसा आपको इसके नीचे लेयरिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है और सब में मैंने मीडियम साइज ही लिया है बस उसी में एक में जो ऑफ वाइट वाला था उसी में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी कि मैंने गलती से एक साइज अप कर दिया ना इसके अंदर ये कॉन्ट्रास्ट में जिसमें कि रेड प्रिंट है ऐसा ये वाइड लेग बॉटम है सेमी इलेस्टिकेटेड एंड दो पॉकेट्स के साथ आता है नीचे सेम आपको रेड कलर का बॉर्डर मिल जाएगा नाउ दुपट्टे पे भी ज़्यादातर प्रिंट आपको बॉटम वाला मिलता है एंड साइड में बॉर्डर्स है वो कुर्ते के कलर वाले हैं लंबाई चौड़ाई आपको फुल मिल जाएगी सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक में है ये कुर्ता सेट एवर ग्रीन है कभी भी पहन लो कहीं भी पहन लो अच्छा ही लगने वाला है नाव आ गए हम लास्ट कुर्ता सेट पे और उसके बाद में आपको जो मेरा स्किन केयर के प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं वो दिखाऊंगी सो so, जैसे मैं आपको बता रही थी कि वाइन कलर मुझे बहुत पसंद आ रहा है सो so, ये वाइन कलर का अनारकली कुर्ता सेट भी मैंने पिक कर लिया अभी मैंने दिवाली वाले दिन एक अनारकली पहनी थी लिबास ब्रांड की ही थी बट वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है और बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी एंड ये वाला कलर तो वैसे ही मेरी नजर जा रही है सो so ये भी वेडिंग फंक्शंस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है बहुत ही अच्छा फ्लेयर है इसके अंदर काफ़ी सुंदर एम्ब्रॉयडरी की हुई है एंड ऊपर से शोल्डर से इसके अंदर कलियाँ स्टार्ट हो जाती है गले की भी आप देख सकते हैं डेप्थ बिल्कुल परफेक्ट है एंड फ्रंट में आपको इस तरह से ये हैवी एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है पीछे आपको ये सिर्फ बॉर्डर लगाया हुआ है सो so फॉल अच्छा आता है इसका जो फैब्रिक है वो है चिनॉन सो so जॉर्जेट जैसा फील होता है बट इसके अंदर हल्की सी शाइन होती है सो पार्टी वेयर लुक अच्छा आता है चिलौन थोड़ा पतला होता है जॉर्जेट की तरह तो इसके अंदर लाइनिंग भी दी हुई है क्रे फैब्रिक की ऑल ओवर लाइक पूरी अनारकली के अंदर आपको फुल लाइनिंग मिल जाएगी स्लीव्स को छोड़ के एंड इसके साथ आपको ये पजामी मिलती है लाइक चूड़ीदार पजामी है ये फुल्ली इलेस्टिकेटेड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी इजीली कैरी कर पाई मैं ऐसे होता है ना चूड़ीदार को पहनना और उतारना बहुत मुश्किल होता है बट इसके साथ नहीं है बहुत अच्छे से ऐसे ये ग्लाइड करते हुए पहनी गई और इतने ही इजीली ये ग्लाइड करते हुए निकल भी गई सो so, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सिली हुई है बहुत ही कंफर्टेबल है एंड इसके अंदर प्लीट्स वगैरह भी दी हुई हैं आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको इस तरह से प्लीट्स मिल जाते हैं तो बिल्कुल टाइट वाइट नहीं है मैंने साइज़ वही लिया है मीडियम एंड इसके साथ दोपट्टा भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है सो so बॉर्डर आपको मिल जाएगा स्टोन वर्क है फुल लेंथ विर्थ में है और साथ में ये टेसल्स भी दिए हुए हैं so सो ये थे सारे ऑप्शन जो आप वेडिंग फंक्शंस में कैरी कर सकते हैं या फिर पूरे साल कोई भी स्पेशल ओकेजन है किसी भी टाइम पहनोगे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है सो so डेफिनेटली आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब मैं आपको स्किन केयर दिखाती हूँ सबसे पहले तो मैं आपको ये बॉटल दिखाती हूँ द फेस शॉप करके ब्रांड है एंड ये पूरी ख़त्म हो चुकी है और ये जो मॉइस्चराइज़र है मुझे इतना ज़्यादा पसंद है मैं फेस के लिए इसे यूज़ करती हूँ एंड मैंने फिर अब इसको रिफ़िल कर लिया है ये नई बॉटल मैंने मंगवा ली इसमें सेरामाइड्स है राइस वाटर है सो so ये सारे इंग्रेडिएंट आपको पता है कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं एंड ये एक्टिव नहीं है तो आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है एंड ग्लो ऐड करता है मुझे ये काफ़ी अच्छे से सूट करता है मेरी स्किन सेंसिटिव है बट ये बढ़िया से काम करता है मॉइस्चराइज भी कर देता है और मेरी स्किन को इरीटेट भी नहीं करता सो so, अगर आपकी भी स्किन मेरी तरह थोड़ी सेंसिटिव है ड्राई है सो so, आप डेफिनेटली इसे चैकआउट करना अभी विंटर्स में तो वैसे और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी सो so, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया इतनी बड़ी बॉटल मैंने इसकी ख़त्म की है मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और मैं मतलब दोनों बच्चों को भी यूज़ करा देती हूँ क्योंकि मतलब बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट है इसका फॉर्मूला कोई इसके अंदर फ्रेगरेंस नहीं है कोई मतलब ऐसे हार्श कुछ भी नहीं है बहुत ही ज़्यादा जेंटल है सो so मैं सबको यूज़ करा देती हूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए ना कोई वैसे नहीं यूज़ करती अदरवाइज तो मैं उनको आमंड ऑयल यूज़ करती हूँ उनके फेस पे बट ये क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सेंसिटिव स्किन होते हुए भी, भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है मेरे पे सो so मैं उनको थोड़ी सी बिना झिझक के इसे भी लगा देती हूँ पहले तो मैंने अमेजोन पे यही कार्ट में ऐड किया था बट जब मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी ना तो मैंने देखा कि इसके साथ एक ये कॉम्बिनेशन में भी है सेम ब्रांड का सेम लाइक कॉम्पोजिशन का फ़ेस वॉश भी है सो so मुझे लगा चलो इस फेस वॉश को भी ट्राई करते हैं हो सकता है ये भी मुझे अच्छा लगे सो so मैंने पूरा ही पैक ले लिया एंड आई थिंक ये मेरे विंटर्स के लिए बिल्कुल काम करेगा का मुझे और कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है फ़ेस वॉश हो गया मॉइस्चराइज़र हो गया लिप बाम भी मेरा ना लनेज वाला ख़त्म होने वाला तो उसको भी मैं मंगवाने वाली हूँ जब वो पूरा ख़त्म हो जाएगा तभी मैं उसे री करूंगी करूँगी नाव जो सेकेंड चीज़ मैंने रीस्टॉक करी है वो है ये Maybelline की इनकी सुपर स्टे इंक रे ऑन ट्वेंटी इन्जॉय द व्यू आई थिंक मैंने इसे दस पंद्रह बार तो आपको रिकमेंड कर ही दिया होगा मेरी स्किन केयर मेकअप वाली वीडियोज़ के अंदर बट आप खुद देख सकते हैं कि मैं क्यों रिकमेंड करती थी क्योंकि इसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ ये पूरा ख़त्म हो गया बिल्कुल चिना सा बचा हुआ है like, लाइक बहुत ही कम इससे ज़्यादा ये खुल भी नहीं रहा है सो so, अभी मैंने ना सोचा कि चलो ये तो ले लिया मैंने अभी थोड़ा दूसरा हम ट्राई करते सेम इसी का अभी मैंने ऑर्डर किया ट्वेंटी फाइव स्टे एक्सेप्शनल ये था न्यूड पिंक ये है न्यूड मोव जो आज मैंने लगाया हुआ है सो so, ये दोनों ही शेड्स बहुत ज़्यादा पसंद आए ऑब्वियसली इसको तो मैं रीस्टॉक करने वाली हूँ बट अभी के लिए मैंने ये वाला ले लिया था क्योंकि ये वाला आउट ऑफ स्टॉक हो रखा था इसका भी प्राइस वगैरह मुझे बहुत से लगा फोर हंड्रेड के आसपास में मैंने लिया है सो so येस yes, ये थी आज की वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही सबके परचेजिंग लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से करना चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है एंड मैं शॉर्ट्स वगैरह भी डालती रहती हूँ तो उसको भी देख लेना मेन वीडियो को भी जरूर से देखना एंड गाइज जो ऑडियो ट्रैक वाली सेटिंग मैंने आपको बताई थी और कैप्शन वाली सेटिंग बताई थी उसका भी ध्यान दे लेना और चलो मैं जाती हूँ और आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट देन टेक केयर बाय बाय